देशवासियों के लिए 1 जून काफी अहम होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि 1 जून क्यों है अहम। दरअसल देश भर में 1 जून से वन नेशन वन कार्ड स्कीम लागू हो जाएगी। इस स्कीम को देश भर के 20 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के लागू होने के बाद आप किसी दूसरे राज्य के सरकारी राशन केंद्र से भी राशन खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद देश के गरीबों को बड़ी संख्या में राशन मुहैया कराना है। वहीं रेलवे ने भी 1 जून से ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रेलवे की ओर से 200 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। इन ट्रेनों में ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। अगर आप किसी भी शहर में फंसे हैं तो इन ट्रेनों की मदद से अपने घर पहुंच सकते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने टाइम टेबल के अनुसार पहले की तरह चलेंगी। इसके अलावा यूपी में 1 जून से रोडवेज बसें चलाने की भी घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने 30 मई तक बसों को सैनिटाइज और फिट करने के आदेश दिए। बस संचालन के दौरान जारी गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर की होगी। मास्क पहने व्यक्ति को ही बस अड्डा परिसर में प्रवेश की छूट रहेगी। बस में कंडक्टर सीट के सामने सैनिटाइजर की बोतल रखी रहेगी। सैनिटाइज करने के बाद ही यात्री बैठेंगे। इसके अलावा हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के रेट्स में भी बदलाव होता है। पिछले महीने गैस सिलेंडर के रेट्स काफी कम हुए थे। इस बार 1 जून को गैस सिलेंडर के भाव में भी बदलाव होगा। कई राज्यों ने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया है, जिससे फ्यूल की मांग में इजाफा हुआ है। इसके अलावा 1 जून से पेट्रोल डीजल के भाव में भी इजाफा हो सकता है।